तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में फ्री फायर के लिए स्क्रिप्ट सेट कर सकते हैं, यानी कि मैक्रो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पीसी प्लेयर सिर्फ एक ही बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद 6 से 7 काम एक साथ हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पर आप देखो, मैं सिर्फ एक ही बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद AWM से फायर भी हो जा रहा है, फिर दूसरा गन भी चेंज हो जा रहा है, दूसरा AWM हाथ में आ जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आप बहुत सारे बटन्स को सिर्फ एक ही बटन में सेट कर सकते हो। वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चाहे कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर हो, सभी में आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग है, कोई ऐसा आईडी बैन वाला नहीं होता, ये ओरिजिनल सेटिंग होता है, ये कंप्यूटर के लिए खास दिया रहता है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा था, खेल रहा था कंप्यूटर में, तो और इसमें यार मतलब मज़ा बहुत आता है, काम आसान हो जाता है। तो अब आपके पास फीचर है तो इसका यूज़ ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि कैसे आप माइक्रो सेट कर सकते हैं और कैसे एकदम काम को आसान कर सकते हैं। और मैं आपको अलग अलग तरीके भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप गेम में इसका अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग में आ जाने के बाद कस्टम HUD पे आना है, और यहाँ पर जितने भी बटन है वो सभी विजिबल होना चाहिए। अगर वो हाइड है तो आप इसको पहले विजिबल कर लेना, ट्रांसपेरेंसी पूरा 100 कर लेना, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो F11 का बटन आपको मिलेगा कीबोर्ड में, उसको आपको प्रेस करना है। अभी देखो यहाँ पर मैं ब्लू स्टैक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा एमुलेटर यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें सेटिंग अलग हो, पर जो यहाँ पर मैं बताऊँगा लगभग सेम रहेगा, तो आप उसमें भी यही कर सकते हैं। और लगभग सब एमुलेटर में ये फीचर आपको मिल जाएगा, स्क्रिप्ट जो माइक्रो होता है वो सब में मिलता है। तो अभी आपको मैं ब्लू स्टैक में बता रहा हूँ। अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसका लोएंड वाला वर्जन भी आता है, अगर आप लोएंड PC यूज़ करते हो तो उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये फिलहाल ब्लू स्टैक 5 है। तो आपको यहाँ पर ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर टैप करना है, फिर कंट्रोल एडिटर में आना है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक सेटिंग मिलेगा। तो अभी आपको सिंपली माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर उठा के इसको ऐसे लाना है, बस उसमें टैप करना है लेफ्ट बटन को, और उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, उठा के लाओगे तो फिर यहाँ पर आपको किसी भी बटन को सेट करना है। जैसे मैं J प्रेस किया तो ये आ गया, H प्रेस किया तो H आ गया। मतलब एक बटन को आप उसमें सेट करोगे और उसी बटन को दबाने के अंदर जो आप काम कराना चाहते हो गेम के अंदर, वो सब उसी बटन के जरिए हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर U बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि U बटन से मैं अभी माइक्रो सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अभी ये एक और आ गया, चलो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हो गया, अभी हम इसको सिंपली सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब सेव हो गया, अब यहाँ पर आपको ये जो एरो दिख रहा है ना, इसके ऊपर माउस का आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करोगे उसके बाद आ जाएगा ये ओपन, और सिंपली विंडोज़ में जो सेटिंग रहता है वैसा ये भी है, इसमें लेफ्ट राइट तो कुछ रहता नहीं, आप देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बॉक्स मिल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जैसा कुछ करना पड़ता है, सिंपल है एकदम। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टैप, ठीक है, टैप, ये देखो टैप, एंड उसके बाद स्पेस देना है, और फिर उसके बाद अब टैप किसको करना है यहाँ पर आपको कमांड करके पूरा बताना होगा, ठीक है, छोटा सा प्रोग्रामिंग जैसा आप समझ सकते हो। अब उसके बाद, और ये जो स्पेलिंग है बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगर थोड़ा सा इधर उधर किए स्पेस नहीं दे तो शायद ये काम नहीं करेगा, एकदम आपको सेम टू सेम करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले, चलो मैं AWM के लिए सेट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं AWM फायर करूँ, नहीं सॉरी, जैसे मैं AWM हाथ में लूँ उसके बाद मैं जो स्क्रिप्ट का बटन है उसको प्रेस करता हूँ, फिर AWM फायर करे, उसके बाद दूसरा AWM हाथ में आ जाए, बस मुझे इतना सा करना है। अभी आपको मैं बड़ा बड़ा वाला भी बताऊँगा, अभी हम सिंपल सा समझते हैं। तो अभी मैंने एक बटन तो सेट कर लिया U, तो U को प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद AWM जो है फायर होना चाहिए, तो फायर का बटन यहाँ पर है, तो इसमें आपको सिंपली माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको आपको ऐसे करके टैप करना है, लेफ्ट बटन टैप करोगे फिर यहाँ पर ये X करके आ जाएगा, ये यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर का ये लोकेशन है, तो आपको यहाँ पर माउस कर्सर रख के लेफ्ट प्रेस करना है, फिर राइट ऐसे करके प्रेस करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपको सिंपली ऐसा एंटर करना है, फिर से यहाँ पर टैप करना है, टैप करने के बाद फिर से इस पर, और यहाँ पर देखो फायर होगा, उसके बाद गन चेंज करना होता है, ठीक है। तो गन चेंज करना है तो फायर हो गया, अब उसके बाद गन चेंज करने के लिए इसमें टैप करना है, क्योंकि दूसरा गन हमें हाथ में लेना है। तो यहाँ पर अभी सिंपली आपको माउस का लेफ्ट बटन फिर से प्रेस करना है और राइट को फिर से प्रेस करना है। देखो हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया, तो आपको सिंपली ऐसे करके इसे डन करना है। अभी आपको मैं इसे ट्राई करके दिखाता हूँ, तो अभी मैं ये जो बटन है ना इसको फुल कर लेता हूँ ऐसे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो माइक्रो सेट करने के बाद मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे। अब यहाँ पर आपको मैं यू बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। यू बटन प्रेस करने से देखो कैसे अपने आप से चेंज हो जा रहा है, अभी ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है एंड उसके बाद गन चेंज हो जा रहा है, बस ये देखो अपने आप से देखो अभी। और ये जो AWM है ना, इसका स्पीड थोड़ा सा मतलब पहले से ना एकदम स्लो कर दिया गया, कंटिन्यू ये फायर नहीं करता, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितना उसका स्पीड है वो उतना स्पीड से ही चलेगा। ये देखो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, ये देखो
अभी आपको मैं ग्लू वॉल का भी बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप उसे भी समझ सको। तो ऐसे करके आप इसे सेट करना है, बहुत सिंपल है और इससे कोई भी पीसी में आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे बंदे बोलते हैं आपका पीसी खराब हो जाएगा, प्रोसेसर उड़ जाता है, ये वो फलाना ढिकाना। मतलब यार कोई उनके पास तथ्य होता नहीं है, कुछ भी अफवाह बोलते जाते हैं। एक सेटिंग का यूज करने से क्या होगा, मैं 1-1.5-2 साल से यूज कर रहा हूँ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फालतू की बातों में विश्वास मत किया करो, ठीक है। अगर लैग बैग होता है ज्यादा, एकदम आप यूज करते हो, बहुत सारे स्क्रिप्ट यूज करते हो, जैसे कि अब मैं तो सिर्फ एक ही करता था, तो अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो शायद थोड़ा लैग वैग हो सकता है, तो लैग होता है तो आप हटा देना भाई, 1-2 ही बस यूज करना। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ ग्लू वॉल के बारे में, ठीक है। तो मैं वापस से वहीं पर आ जाता हूँ और उसके बाद देखो ये जो ई है ना, इसमें मैंने ग्लू वॉल का सेट करके रखा है। यहाँ पर देखो ये ग्लू वॉल का है। अभी मैं इस वाले को कट करता हूँ इस स्क्रिप्ट को, और इसको भी मैं कट करता हूँ, सिर्फ इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी तो आप समझ गए क्या करना है। तो अभी आपको मैं ग्लू वॉल के लिए मैक्रो बता रहा हूँ। तो ई बटन में मैंने सेट कर रखा है, इसमें मैंने टैप किया और यहाँ पर सबसे पहले टैप इस जगह को करना है, ठीक है। तो ये जो टैप है ना, सबसे पहले हमारा ग्लू वॉल पे आता है, ये देखो 5000, ये शुरू में 5 है तो 5 क्या हुआ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पर भी 5 है। तो यहीं पर मैंने टैप करके इसे सेट किया है। तो आप ग्लू वॉल का जहाँ पर भी मतलब फ्री फायर में रखोगे ना, वहीं पर आपको जाना है, ऐसा नहीं कि यहीं पर रखो। आप यहाँ पर रख रहे हो ग्लू वॉल का बटन, तो यहीं पर आपको माउस का लेफ्ट राइट करके प्रेस करके यहाँ पर लाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लू वॉल टैप कराना है, ग्लू वॉल हाथ में लेगा उस बटन को प्रेस करने पर, और ग्लू वॉल जैसे ही हाथ में लेता है उसके बाद फिर से टैप करेगा। क्या टैप करेगा, बैठने का बटन, यहाँ पर देखो 93, तो बैठने का बटन, क्योंकि सिटअप ग्लू वॉल लगाना जरूरी है, तो आपको सिटअप ग्लू वॉल लगाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद सिंपली हमको थोड़ा सा वेट कराना पड़ेगा। अब ये जो वेट है ना, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर टाइम लगाता है। अब ये बट ये जैसे ही ये टैप करेगा उसके बाद तुरंत इसको टैप करेगा, फिर थोड़ा सा वेट ये करेगा। अब ये जो वेट है ये 5 सेकंड नहीं है, 5 मिलीसेकंड है, और 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है शायद, मुझे फिक्स नहीं पता। तो ये मतलब बहुत कम सेकंड है, आप इसे भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि यार आपका ग्लू वॉल लेट में लगेगा, बहुत फास्ट लगता है, और चाहो तो बाद में जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसे हटा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पर ये टैप, अब ये टैप है फायर बटन का, अभी ये बैक हो गया कोई बात नहीं, ये फायर बटन का है। जैसे ही मतलब बैठेगा, बैठने में टाइम लगता है तो 5 सेकंड लेगा, उतने 5 मिलीसेकंड लेगा, जैसे ही बैठ जाएगा उसके बाद ग्लू वॉल को लगाएगा, ठीक है। तो इतना ही बस इसमें करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और अभी आपको मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ इस स्क्रिप्ट को, माइक्रो को। और आपको एक बात खास ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्लू वॉल वाला माइक्रो यूज़ करोगे तो ग्लू वॉल जो है ना आपको ऐसे करके लगाना है। अगर ऐसे करोगे तो ग्लू वॉल का जो एम है वो ऊपर चला जाता है और स्काई में ग्लू वॉल नहीं लगता। तो आप ऐसे करोगे तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करने वाला, तो फिर आप कहोगे यार ये काम नहीं कर रहा है। तो ज़मीन में ऐसे आपको एम को नीचे करना है, मतलब ऐसे नीचे साइड ऐसा होना चाहिए, और वैसे कर करके ही प्रैक्टिस करना है। बाद में जब आप प्रैक्टिस कर करके एकदम हाथ बैठा लोगे ना, एकदम मक्खन की तरह लगेगा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम जाता है, 1 महीना आपको सीखने में लगेगा इस स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए ग्लू वॉल वाला, फिर बाद में बन जाएगा। अभी आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो ई बटन मैंने प्रेस किया, ये देखो अगर मैं इसको ऊपर रखते ऐसे तो पता नहीं कहाँ पर लगता है, ये देखो लगा ही नहीं यार, ये देखो कहाँ लगा, नहीं लगा। अभी आपको मैं ऐसे करके ई बटन देखो ये, और इसमें आप रनिंग का भी कर सकते हो, मतलब ग्लू वॉल लगाए फिर रनिंग भी करें, आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।